बहुत खास चीज़ आई है, मतलब बुलेट तो आई है साथ ही साथ इसमें अमेजोन गिफ्ट का 50 रुपये ये जाएगा भाई हमारी जेब में। बहन वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई हमारे आप चेहरे की मुस्कान से आप समझ सकते हैं कि भाई अभी एक बहुत सही चीज़ हुई है, और सही चीज़ ये हुई कि भाई बहुत दिनों से आपने देखा होगा कि हमारी बुलेट जो कि भाई सही होने गई थी, फाइनली भाई वो बुलेट ठीक हो चुकी है। बिकॉज मैंने अभी बात कर ली है तो बुलेट भाई हमारी 88 हो चुकी है। तो अब फिलहाल चलते हैं पहले बुलेट लेने, और हाँ भाई मैंने सुबह सुबह हेयर कट करा लिया बिकॉज हमें आज ऐसे करा लिया, ठीक है बताऊँगा अभी क्यों कराया, वैसे रीज़न है उसका। और हाँ भाई अभी तो पहले अपनी बुलेट लेने चलते हैं, उसके बाद उसको वॉशिंग चलो बात की बात है। अभी फिलहाल ऑल गुड गुड टू गो गाइस, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरी बुलेट नाउ विल बी स्कूटी की पीप नहीं होगी, उसकी होगी टॉ टॉ और लेट्स गो। और भाई बहुत दिनों के बाद अपनी बुलेट चलाई है, मतलब बुलेट चलाने का ना फील अलग है। और हाँ भाई इसकी भी वॉशिंग मुझे थोड़ी सी करानी है, बिकॉज वैसे तो साफ है बट थोड़ी बहुत पैर वॉशिंग करानी पड़ेगी। इनफैक्ट भाई ये वाला ऐसा साफ है, थोड़ा सा ये चेन वेन का थोड़ा सा गंदा हो रहा है। वैसे भाई आया बहुत, मतलब बहुत टाइम चलाई गुड। तो गाइस एक बहुत खास चीज़ आई है, मतलब बुलेट तो आई है साथ ही साथ ये चीज़ भाई। भाई सिस्टम क्या है कि यार विंड नॉइज़ भाई मुझे बहुत दिक्कत दे रही थी, तो भाई मैं तो पड़ गया उसके हाथ धो के पीछे, तो उस वजह से भाई ये मैंने मंगाया अभी, ठीक है। इसमें है क्या मैं सब बताऊंगा अभी, लेकिन पहले भाई खाना खाते हैं, भूख लग रही है, मतलब गर्मी भी हो रही है बट ज़्यादा हमें भूख लग रही है, तो पहले खाना खाते हैं फिर उसके बाद शाम के टाइम में करेंगे भाई इसकी तगड़ी अनबॉक्सिंग, ठीक है। तो इसके बाद भाई हमारा सेटअप ना एकदम रेडी हो जाएगा बिल्कुल 88 तरीके से। तो गाइस आई एम बैक, और हाँ मैंने कहा था कि भाई विंड नॉइज़ कम करने के लिए भाई ये एक्सेसरीज मैंने मंगाई है, और मेरे भाई मोटर लॉगिंग सिस्टम की ना ये लास्ट एक्सेसरीज है, इसके बाद भाई कोई एक्सेसरीज नहीं आएंगी, बिकॉज इसके बाद कोई दिक्कत आएगी नहीं, बिकॉज दिक्कत नहीं आएगी तो भाई एक्सेसरीज खाली मंगाने का कोई दिक्कत है नहीं, सब दिक्कत हो रहा है। चलो कोई ना भाई, मेन बात ये है कि ये लास्ट एक्सेसरी भाई अपने गोप्रो की जो कि भाई विंड नॉइज़ को एकदम ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं अपने हेलमेट के साथ। तो भाई अपना हेलमेट आ चुका है, और हाँ इसमें ना मैंने विंड नॉइज़ भाई बहुत मिनिमम कर दिया है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं से जो विंड नॉइज़ आ रही है वो है भाई ये देख रहे हो चिन माउंट, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये वाइजर पूरा लग नहीं पा रहा है, तो ये एक गैप बच रहा है ना भाई, यहाँ से विंड नॉइज़ आ रही है। लेकिन आज हम इसकी मदद से भाई इसे भी एकदम फिनिश कर देंगे। और इसमें है क्या, इसमें है ब्लू आर्मर का स्पेयर चिन माउंट एक्शन कैम कंपेटेबल। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, और भाई अनबॉक्सिंग में हम करते हैं देसी तरीके से। और गाइस इसकी पैकेजिंग यार बहुत विजिबल थी, देखो आपने सिंपल भाई इस तरीके से आया था, तो भाई पैकेजिंग इसमें अमेजोन गिफ्ट का 50 रुपये ये जाएगा भाई हमारी जेब में। अब बारी है भाई चिन गार्ड की, चिन गार्ड ही है ना, चिन माउंट जो कि है भाई ये, फॉर बेस्ट रिजल्ट रिमूव डस्ट फ्रॉम हेलमेट सरफेस बिफोर स्टिकिंग। और हाँ इसके प्राइसिंग की बात करें तो भाई इसका MRP है 399, जो कि मुझे पड़ा भी था भाई 399 रुपीस का, ठीक है। तो कोई इसमें ऑफ नहीं था, अमेजोन से मैंने परचेज़ किया है, लिंक अगर आप चाहेंगे तो मेंशन कर दूंगा, वैसे मुझे उसका कुछ मिलने वाला है नहीं, तो भाई देख लेना आप, सर्च भी कर सकते हैं इसको वैसे। तो भाई जैसा कि भाई इंस्ट्रक्शन दिया है, सबसे पहले तो सरफेस को अच्छे से पोछ लेते हैं ये। और हाँ इसमें 3mm का टेप है, जो कि भाई इनफैक्ट मैंने भाई बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे, तो भाई इसके जो रिव्यूज़ थे बहुत तगड़े थे, मतलब सब लोगों ने भाई इसको अप्रिशिएट किया है, तो इस वजह से मैंने मंगाया है। और फाइनली हम भी अप्रिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे वो तो डिपेंड करेगा, अभी तो फ़िलहाल इसे स्टिक कर लेते हैं। ये रहा भाई, और हाँ थोड़ी देर तक इसको ऐसे करके दबा लो, सो दैट की जो ये टेपिंग है इसके अच्छे से इसमें लग जाए। यह है इसका फाइनल लुक, देख रहे हो, मतलब पता भी नहीं चल रहा भाई, ये भी ब्लैक है ये भी ब्लैक है, तो सही लग रहा है, कमेंट्स बताना, ठीक है। और हाँ बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि यार कहीं गिर ना जाए, तो इसका भी मैं आपको एक बताऊंगा अभी जुगाड़, सस्ता जुगाड़, ठीक है, तो वो भी आप करना, सो दैट कि भाई इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि ये छटक जाए या गिर जाए, तो आपका ग्रो तो आपका भाई GoPro सेफ रहे सुरक्षित रहे, बिकॉज खर्चा पानी होता है भाई GoPro में लेने में, ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ भाई आप लोगों की अगर ऐसा क्वेश्चन चल रहे हैं दिमाग में, तो घबराओ मत, सब बताऊँगा बारी बारी से। तो फाइनली गाइस मैंने लगा दिया, और हाँ ऐसा कुछ दिखता है भाई ये ब्लू आर्मर का चिन माउंट। और इसे ही मैंने क्यों मंगाया, इसका यार बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है
एक तो मैंने बताया कि वेंड नॉइस का, और दूसरा कि यार इसके जो रिव्यूज़ थे ना भाई, वो मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा, तो सारे रिव्यूज़ भाई 88 नंबर के थे, तो उस वजह से भाई ये मैंने मंगाया ब्लू आर्मर के, वरना कंपनीज तो भाई और भी बनाती हैं इस तरीके के चेन माउंट, बट ब्लू आर्मर कुछ। और हाँ, मैंने कहा था कि यार एक सस्ता जुगाड़ जो आप कर सकते हैं, सो दैट कि अगर ये इन केस फेल करे, पहली बात तो भाई फेल होगा नहीं, अगर ये फेल होता है तो भाई उसके लिए है ये, इसे क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके का। और इसे आप क्या कर सकते हैं कि जो इसमें छोटा सा वायर है ना, इसे आप गोप्रो में डाल लें, उसके बाद अभी तो इनफैक्ट ये थोड़ा छोटा है, बट थोड़ा डिस्टर्ब मत करो पीपे वालों, ठीक है। तो हाँ, इसे अभी तो ये थोड़ा छोटा है, बट इसे आप क्या करते हैं, थोड़ा सा लेंथी ले लेंगे, सो दैट कि आप इसको अपने गले में डाल लें, फिर इसको गोप्रो में आप फंसा लें, सो दैट कि अगर इनकेस गोप्रो गिरता भी है तो वो सेफ रहे। ये भाई हमें बहुत दिक्कत दे रहे हैं स्कूटी के हॉर्न। अरे भाई साहब कौन है यार ये, चल हमारे वहाँ नहीं, वरना मैं बताता हूँ अभी, ठीक है। चलो कोई ना, ऑल गुड, गुट्टू को बाकी ये बताना भाई कि आपको हैक कैसा लगा। चलो तो गाइस, लगता है भाई आज मक्का बनने वाली है। इनफैक्ट स्कूटी भी हमारी आ गई है, बट आज है भाई इस गाड़ी की बारी, चलें। ये अरे 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 भाई, ये हाँ, चलो गाइस हम तो चले। मतलब बुलेट का भाई अलग सीन आ रहा है, मज़ा आ रहा है भाई बहुत। कितना टाइम हो गया था भाई, लगभग लगभग भाई 2 हफ्ते होने वाले हैं। मतलब हॉर्न की भी अलग ही आवाज़ है भाई। भाई फटाफट जैसे वॉश करके ले आता हूँ, बिकॉज शाम हो रही है, फिर अंधेरा ना हो जाए कहीं यार। बहन जाओ तुम, आगे जाओ, मुझे तुमसे रेस नहीं करनी, बिकॉज भाई मैं इस चीज़ से बहुत आगे निकल चुका हूँ भाई। ये अब इसका टायर घूमे तभी तो ये चेन धुले, इसके टायर तो फिर कुछ लगाना पड़ेगा इसके नीचे, फिर लगाओ काम पूरा सही करना एकदम 88। ये लो काम, हमारे पास एक नंबर होता काम। तो भाई फाइनली, और वैसे भाई थोड़ा नई नई बुलेट लगी, थोड़ा चला के भी भाई बढ़िया लग रहा है। चलो भाई थोड़ी कैमरे खोले चलते हैं, किसी का फ़ोन आ रहा है अभी, अभी नहीं चेक करना भाई, मुझे चेक करूँगा कुछ टाइम बाद। भाई कहाँ है ये, वेयर आर दे, अरे बाप रे भाई, ये यहाँ के वो हैं कोच हैं, ये हमारे प्रीतम भाई कोच साहब, ये हमारे प्रमोद भाई। अरे तो गाइस आई एम बैक। और हाँ भाई यार, थोड़ा सा तबीयत हो रखी है डाउन किया, मतलब गर्मी से ना भाई मेरा इतना भयंकर सा दर्द हो रहा है अभी, तो खाने का मन तो नहीं कर रहा है, बट भाई खाना नहीं छोड़ना है, ठीक है, थोड़ा खाओ बट खाना खाना चाहिए। चलो खाना फिनिश करते हैं, साथ ही साथ वॉक भी करते हैं, रैपअप। और हाँ, सबसे अच्छी बात हुई है कि आज भाई हमारी बुलेट ठीक हो गई है, ठीक है। तो वो फील भाई अलग आ रहा था, वो सिर्फ बोलो समझ पाएंगे जो अपनी गाड़ी से भाई बहुत प्यार करता है भाई, मैं होता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ब्लॉक करते हैं खत्म, बिकॉज तबियत डाउन, बट कोई ना भाई, मिलते हैं कल सीजन बाय। जय हिंद, गुड टू गो, बाय बाय।